सो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आपको एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है हाउ टू ब्लर द बैकग्राउंड ऑफ एनी फोटो लाइक DSLR। तो आप जैसे कि आप भी चाहते हैं मेरे पास एक DSLR हो, पर आप जानते ही होंगे कि वो बहुत होता है महंगा। तो आपके बजट में ये अगर नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हैं अपना वीडियो को सॉरी फोटो को अगर आप चाहते हैं DSLR इफेक्ट, जैसे फोकस होता है उसका पीछे का बैकग्राउंड ब्लर, तो वो कैसे बनाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा एक ऐप जिसका नाम है After Focus। आप टाइप करके देख सकते हैं ये, और आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर दीजिए और एल्बम में जाके गैलरी में जाके कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लीजिए। तो ये मेरा एक रिश्तेदार का फ़ोटो है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है, तो इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको देख सकते हैं लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का इंडिकेट हो रहा है। अगर आपका इंडिकेट उसमें हो तो आप फोटो के अंदर ही ड्रा कीजिए, उसके बाहर मत जाइए। अगर आप जाएंगे उसके बाहर तो आपका जो लुक है वो खराब हो सकता है। तो ऐसा करने के बाद आप लेफ्ट साइड के नीचे देख सकते हैं ट्री का आइकन, उसमें क्लिक करके बैकग्राउंड में क्लिक कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ करते ही आप जूम भी कर सकते हैं, जूम पर के इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट में दबा दीजिए, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, पर आपको अगर और चाहिए तो आप इसे बढ़ा दीजिए और उसके नीचे फीचर को भी बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि जैसे DSLR से खींचा गया हो। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, तो ये ओरिजिनल है। और इसे एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं ये कैसा हो चुका है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों आप देखते ही होंगे फेसबुक के कई लोग जो होता है एक ब्लर ऑप्शन होता है एडिट में, उसमें जाके ड्रॉ करते हैं, पर वो अच्छा नहीं होता है, वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता और लोगों को पता चल जाता है कि ये मोबाइल से ही खींचा गया। तो अगर आप चाहते हैं सब बनाने के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं टेक्निक। तो बाय बाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक को बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।